बीते 18 अगस्त 2019 को घुमारवीं के क्रियाल गांव में हुई त्रासदी में शिकार हुए 7 परिवारों को 3-3 बीसवा भूमि दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गांव के 7 परिवारों को भूमि सहित 2 लाख देने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर को मुख्यमंत्री कार्यालय से बतौर नोटिफिकेशन भी जारी हो गयी है। घुमारवीं के क्रियाल गाँव में हुई त्रासदी में शिकार हुए 7 परिवारों को 3-3 बिस्बा भूमि दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गांव के 7 परिवारों को भूमि सहित 2 लाख देने का भी निर्णय लिया। उपायुक्त बिलासपुर को मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत यहां परिवार 3 बिस्बा भूमि पर अपना मकान बना पाएंगे। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2019 को घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के करियालग गाँव में 5 किलोमीटर पहाड़ी जमींदोज हो गयी थी, जिसमे कई वाहन और मवेशी मलबे में दब गए थे। इस दौरान करियालग के बंदा घाट को जाने वाली सड़क भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। सूचना के बाद प्रशासन ने होमगार्ड के जवान, फायर ब्रिगेड और पुलिस को भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया था। इस त्रासदी में पूरे गांव के 7 मकान जमींदोज हुए थे। बिलासपुर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसमें पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया था। वहीं विशेषज्ञों की माने तो उसमें बिलासपुर में 2500% बारिश दर्ज की गयी थी। पिछले वर्ष बहुत ही ज्यादा बारिश इस जिला में हुई थी, बल्कि बताया जाता है कि 2500% अधिक जो है नॉर्मल से उस दौरान में जो है बारिश हुई थी और काफी व्यापक जो है लैंडस्लाइड्स और नुकसान हुआ था। तो उसी के अंतर्गत जो है हमारा जो कठलग है, करियालग है, इधर घुमारवीं तहसील में, तो वहां पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था और उसमें 7 मकान तो टोटली जो है वो डैमेज हो गए थे और काफी मवेशी भी जो है उसमें उस दौरान मर गए थे और अस्थाई शिविर में जो वहाँ के जो स्थानीय जो नागरिक थे उनको शिफ्ट किया गया था, प्रशासन ने चलाया था। तो राहत जो है उस समय प्रोवाइड की गई थी और साथ में उद्योग विभाग का जो सेरिकल्चर विंग है उसकी लैंड आइडेंटिफाई की गई थी एडजॉइनिंग एरिया में और उसका केस जो है वो सरकार को भेजा गया था। तो एक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन सभी 7 परिवार जिनके जो मकान टूट गए थे उसमें लैंडस्लाइड में 2-2 लाख रुपए का जो है राशि जो है प्रदान की है राहत राशि के अतिरिक्त, और साथ में ही 3-3 बिस्वा भूमि का प्रपोजल जो जिनका जिनके जिन जो कि टोटली हाउसलेस और लैंडलेस हो गए हैं उनके लिए केस भेजा गया था और सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।